गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो क्लास थोड़ी सी लेट हो चुकी है, बट हो जरूर रही है। ये मुझे खुशी है कि मैं बेसिकली यहाँ तक हम पहुँच पाए, और सब बच्चे, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं। अंकिता, हिना, अमन, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के अपने वर्क की। और आज का हमारा बेसिकली वर्क है, मैंने कुछ फैक्ट्स बच्चों के लिए लिए हैं। आज हम उन्हीं फैक्ट्स पे बात करेंगे। सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स विच वी डू हैव हियर। जी बच्चों, तो चलिए फैक्ट्स की शुरुआत करते हैं। ये हमारी आज पहली क्लास है, हम पहली बार इंट्रेक्शन कर रही हैं। तो बच्चों लेते हैं सबसे पहला पेज यहाँ पे, होप कि सब बच्चे इसको देख पा रहे हैं। तो यस बच्चों, तो जरा देखिए ध्यान से कि हम यहां पे क्या वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे सब बच्चे कि शेक्सपियर के बारे में कुछ फैक्ट्स हमारे पास यहाँ हैं, और कुछ हम बच्चों कोटेशंस करेंगे। तो सबसे पहले इन फैक्ट्स को देखते हैं, जो फैक्ट्स आपके सामने हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, शेक्सपियर के बारे में फैक्ट 23 अप्रैल। मैं जानता हूं कि ये रेपिटेशन एक तरह से, बट ये बहुत जरूरी है। 23 अप्रैल 1584, नहीं 1564 इट मस्ट बी, अप टू 23 अप्रैल 1660। अब बच्चों एक छोटी सी बात यहाँ पे कि जो ग्रेट हमारे राइटर्स हैं, ग्रेट पोएट्स हैं, उनमें से कौन ऐसा पोएट है जिसका अगेन डेथ डेट 23 अप्रैल है? देखते हैं कौन बच्चा बताता है। 23 अप्रैल एक आपके शेक्सपियर का है, तो बच्चों दूसरे किसका है? हु इज द नेक्स्ट वन जिनका सेम 23 अप्रैल जाता है, बताएं बच्चों। अंकिता, हीना, अमन, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सब बच्चे जवाब दें। अरे वाह, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राहुल, पूनम, बहुत अच्छे जी। श्वेता, एंजल, बहुत अच्छे। नेहा, गुड की, बहुत अच्छे। अब देखो बच्चों, आप इसमें और चीजें देखेंगे, स्ट्रैटफोर्ड अपोन, ये देखो ओन एवन। मैं आपको बता दूं कि यूपी वाले एग्जाम में ये ओन माना गया है, जबकि अदर एग्जाम्स में देखें तो बेसिकली क्या है, अपोन। बट करेक्ट अगर हम देखें तो करेक्ट बच्चों अपोन ही है, क्योंकि ओन जब कभी हम बात करते हैं ना किसी नदी एक्सेट्रा के आसपास, तो हम अपोन की कंडीशन बनाते हैं, लिखा हुआ भी अपोन ही है। तो अपोन एवन इन वार्विक शायर। थर्ड चाइल्ड है बच्चों, एल्डेस्ट सन है अपने मदर फादर के, फॉल इन लव विद एनी हैथवे, ये इनकी वाइफ है जो कि 8 ईयर्स ओल्डेस्ट थी इनसे, 8 ईयर्स एल्डर थी। वेंट टू लंडन 1587 इन सर्च ऑफ फॉर्चून एंड सेल्फ, डाइड ऑन 23 अप्रैल 1816। ये गलत है बच्चों, कितना होना चाहिए 1616, एंड बरीड इन द स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड में बच्चों इनको दफना दिया गया था। टेन बच्चों जी, ठीक है, स्क्रीन का अभी कलर चेंज करेंगे। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें 37 प्लेज हैं बच्चों, 154 सोनेट्स हैं और 4 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं। इन 4 में से 2 लॉन्ग हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव, बाकी और भी हैं इसमें, लेकिन उनको हम लॉन्ग नहीं कहेंगे। तो 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, वीनस एंड एडोनिस, और बच्चों दूसरी जो है यहाँ पे वो क्या है, रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। अब जरा
कलर्स की बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों का कहना है कि कलर में दिक्कत है तो इसको डिस्कार्ड कर लेते हैं। हमने बच्चों अब शीट्स ले ली हैं, इसमें कुछ देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कुछ चीजें पूछ रहा हूं, वो आपको आंसर करनी है यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये क्लास हमारी फ्रूटफुल बने आज के लिए। सब बच्चे मुझे बताएंगे, यहां पे एक कोटेशन है, और क्या कोटेशन है बच्चों? टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, ये बच्चों कौन कहता है और कहां कहता है? आंसर करेंगे सब लोग, हु सेज एंड वेयर ही सेज। अच्छा, व्हाइट किया जाए, हैमलेट बाय शेक्सपियर, ठीक है जी, एक मिनट रुक जाते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बच्चे व्हाइट कलर की बात कर रहे हैं, एक मिनट मुझे लगेगी। तो ये स्क्रीन बच्चों हमारी व्हाइट हो गई है, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, हैमलेट, और हैमलेट ही बोलता है वहां पे। अब दूसरा पॉइंट है यहां पे, देखो बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ सोरो कम्स, अगर दुख आता है, इट कम्स इन बटालियन। तो बच्चों सोरो कभी अकेला नहीं आता, बल्कि कैसा आता है? वो बटालियंस में आता है। तो बताओ ये किस जगह पे, किस वर्ग में अपीयर होता है, इसे कौन कहता है? वेरी गुड राधा, इट्स ग्रेट, फैंटास्टिक श्वेता, ये बच्चों क्लॉडियस कहता है। हां जी बिल्कुल ठीक है, कौन कहता है बच्चों? क्लॉडियस कहता है, इट्स फैंटास्टिक। और क्लॉडियस कौन है? ही इज द अंकल ऑफ हैमलेट, वो हैमलेट का बच्चों अंकल है। अगले पॉइंट को देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नीदर बी अ लेंडर नोर अ बोरोवर, ये बच्चों कौन कहता है? नेवर बी अ लेंडर नोर अ बोरोवर, हु सेज दिस? ये कोटेशन किसकी है? पोलोनियस। अरे वाह, कुछ बच्चे बिल्कुल तैयार हैं आज की कोटेशंस के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है। ये 100% बच्चों पोलोनियस है। अच्छा बताओ पोलोनियस कौन है? पोलोनियस इज द फादर ऑफ, ही इज द फादर ऑफ ओफीलिया एंड प्लस लार्टीज, तो ओफीलिया और लार्टीज का फादर है। एग्जैक्टली बच्चों, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताएंगे कि कहां आप लाइन देखते हैं, एट टू ब्रूट, ये लाइन बच्चों कहां पे आती है? वेयर डू यू फाइंड दिस लाइन? जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर में भी कौन? जूलियस सीजर ही कहता है, तो खुद जूलियस सीजर कहता है बच्चों जी। राहुल ये आप बेटा इसे देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं, या जो आपको पढ़ाई गई उसमें से, तो ये बच्चों सीजर कहता है, इट इज द सीजर हु सेज दीज लाइंस। अगली लाइन देखेंगे, बीवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, बीवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, बच्चों बताओ ये लाइन कहां पे अगर होती है, कौन इसे कहता है? Where does this line occur? Soothsayer, very nice Sweta, बिल्कुल ठीक है, ये soothsayer है। और बच्चों ये soothsayer आता कहां पे है? ये आता है सीजर में, जूलियस सीजर, बिल्कुल सही बात है। लाइन बताएंगे आप, लव इज ब्लाइंड,
सेज दिस, इस लाइन को बच्चों कौन कहता है, लव इज ब्लाइंड, बताइए सबको, लव इज ब्लाइंड, एग्जैक्टली इट इज जेसिका इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अंकिता, श्वेता, बहुत अच्छे, तलत, ओके ओके, एंजेल, ठीक है, चलो कई सारे, राधा, बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे इसको तैयार करते चले, क्लास का जो पर्पज है बच्चों वो क्या है, जिनको आता है गुड आंसर कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो आंसर करें और उसको तैयार कर ले। तो बच्चों ये बेसिकली जेसिका कहती है, और किसमें कहती है जेसिका, ये कहती है जेसिका बच्चों मर्चेंट ऑफ वेनिस में, मर्चेंट ऑफ वेनिस। सब बच्चे बताएं मुझे मर्चेंट ऑफ वेनिस में हु इज द हीरो ऑफ, हु इज द हीरो ऑफ कैस्केड थ्योरी। बच्चों कैस्केड थ्योरी का कौन यहां पे हीरो बनता है, आंसर करें सब लोग। बसेनियो, फैंटास्टिक, अरे वाह, तलत, राधा, श्वेता, अंकिता, बहुत अच्छे, इट इज बच्चों ये कौन है, ये हमारा बसेनियो है, करेक्ट बात है, बसेनियो, फैंटास्टिक है ना। और बसेनियो की शादी किसके साथ में होती है, पोर्शिया के साथ होती है, हमें ऑलरेडी पता है, किसके साथ में होती है बच्चों, पोर्शिया के साथ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और लाइन हम देखते हैं, ही वॉज द नोबलिस्ट, सेंटेंस है बच्चों आपका, कोटेशन है, He was the noblest of all. तो बताओ बच्चों जरा ये लाइन किसने बोली? ओके, अंकिता, ब्रूटस, बहुत जल्दी में आंसर कर दिया आपने, एंजेल, अमन, बहुत अच्छे आंसर करे, वंदना भी आंसर कर रही है, फैंटास्टिक। मार्क एंटनी, श्वेता, राधा, अब सही जा रहे हैं आप, अंकिता, बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों मार्क एंटनी है, मार्क एंटन, बहुत अच्छे। अगली लाइन बताएंगे आप, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन माई हैंड्स, ये लाइन हमारी कहां पे अकर होती है, हु सेज दिस, हाँ इट वॉज फॉर ब्रूटस सेड बाई एंटनी, बिल्कुल ठीक है, लेडी मैकबेथ कहती है, बहुत अच्छे बच्चों, और ये मैकबेथ से ही है, तो ये लेडी मैकबेथ है, तो इट इज लेडी मैकबेथ, बहुत अच्छे बच्चों। अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट सब बच्चे देखेंगे, सब बच्चे मुझे बताएं कि एक कंडीशन आती है, अवर डाउट्स आर ट्रेटर्स, अवर डाउट्स आर ट्रेटर्स, बताओ बच्चों ये लाइन कहां पे अकर होती है, अवर डाउट्स आर ट्रेटर्स, वेयर डू वी सी दीज पॉइंट्स, एग्जैक्टली अवर डाउट्स आर ट्रेटर्स, हैमलेट, लेडी मैकबेथ, ओके, नहीं नहीं नहीं, ये बच्चों मेजर फॉर मेजर में आता है, कहां आता है, मेजर फॉर मेजर में, तो पहली बात तो है कि ये इस ब्लैक हाँ जी मेजर फॉर मेजर को अगर हम देखें तो क्या है, ब्लैक कॉमेडी। तो यहां पे बच्चों एक कैरेक्टर है, मुझे कैरेक्टर का नाम याद नहीं है, बट ये लाइन जो अगर होती है अवर डाउट्स आर ट्रेटर्स, ये कहां पे है, मेजर फॉर मेजर में, डार्क कॉमेडी है, एग्जैक्टली। लाइन बताएंगे सब बच्चों के लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू एंड डू हार्म टू नन, बताओ बच्चों ये लाइन कहां पे आती है, हु सेज दिस लाइन, लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू एंड डू हार्म टू नन, ये लाइन हमारी कहां आती है, पोलोनियस जी नहीं, हैमलेट भी नहीं, तो बच्चों ये लाइन कहां पे आती है,
इसे बच्चों कहती है, क्या नाम था इसका, डचेस, सॉरी डचेस थी, कौन थी, है ना, इसे डचेस कहती है, कौन से वर्क में कहती है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, समझ रहे हो सब बच्चे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसमें जो डचेस है, जो बर्ट्रेम की मदर है, वो इस बात को कहती है, लव ऑल ट्रस्ट ऑफ यू एंड डू हार्म टू नन। सब लोग मुझे बताएंगे, एक कोटेशन है हमारी, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स, लाइन से ही बता दोगे, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, बिफोर देयर डेथ। तो बच्चों ये लाइन कहां पे आती है बताइए जरा। हाँ जी, ये जूलियस सीजर में आती है, और बच्चों इसको कौन कहता है, जूलियस सीजर ही कहता है, एग्जैक्टली। तो ये जूलियस की कहानी है, जूलियस की लाइन है, कॉवर्ट्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर डियर डेथ, और आगे कहता है, व्हाइल द वेलियंट डाई वंस, वेलियंट डाई बट वंस, यानी कि जो बहादुर होते हैं बस एक बार मरते हैं। बच्चों लाइन बताएंगे, व्हाट इज इन अ नेम, व्हाट इज इन अ नेम, बताओ ये लाइन कहां पे आती है, व्हाट इज इन अ नेम, यस एवरी नो, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये रोमियो एंड जूलियट में, और बेसिकली इसको कौन कहती है, जूलियट कहती है, दिस इज स्टेटेड बाय जूलियट। तो ये जूलियट है जो इस बात को कहती है। जरा लाइन बताएंगे, इन माई माइंड्स आई, इन माई माइंड्स आई, बताओ बच्चों ये कहां पे आती है लाइन, वेयर डू वी फाइंड दिस स्टेटमेंट, हैमलेट में। और हैमलेट किसको कहता है बच्चों, अपने दोस्त होरेशियो को, हैमलेट किसको कहता है, होरेशियो, ठीक है जी। तो देखो बच्चों ऐसे ऐसे करके एक एक हमारी जो कोटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। अगली लाइन बताएंगे बच्चों, लाइन है हमारी यहाँ पे, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बताओ बच्चों ये लाइन कहां पे आती है, वेयर डज दिस अकर, हां जी वर्ड्सवर्थ। और बच्चों वर्ड्सवर्थ किसमें कहता है इस लाइन को, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, माई हार्ट लीप्स अप, बहुत अच्छे वंदना, इट इज इन माई हार्ट लीप्स अप, करेक्ट बच्चों। मुश्किल से 7 to 8 लाइंस की पोएम है और बड़ी जबरदस्त है। इसमें सेकेंड लास्ट लाइन कहती है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है बच्चों। तो माई हार्ट लीप्स अप, अगेन वी से इट इज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, हाँ, जिसको द रेनबो भी कहते हैं। अरे वाह, तो बच्चों को पता है, इसको बच्चों द रेनबो भी कहते हैं। अच्छा ये बताओ दूसरा, वी ले एस्लीप, ये लाइन बच्चों आप कहां पे देखते हैं, अच्छा 9 लाइन है, ठीक है राधा बहुत अच्छे, इसमें 9 लाइन आपको मिलती हैं। तो दूसरे वाले बताओ, वी ले एस्लीप, ये लाइन कहां से ली गई है, टिंटन एबे, फैंटास्टिक, टिंटन एबे, तो ये बच्चों हमारी टिंटन एबे में आती है। Getting everyone? Very nice. That's great. एक बच्चों अगली लाइन देखते हैं हम, वेयर डू यू फाइंड द लाइन्स कॉल्ड, देखो बच्चों क्या क्या लाइन्स है हमारी, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो,
ये बच्चों कहां पे आती है, वेयर टू बी फाइंड दीज लाइन्स, ये लाइन्स बेसिकली कहां पे अकर होंगी। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। प्रीफेस में, बिल्कुल सही है राधा, बिल्कुल सही है अंकिता, आपने भी करेक्ट बता दिया, लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में, श्वेता ठीक है। तो बच्चों ये बेसिकली लिरिकल बैलेट्स में आता है, बट कब, प्रीफेस में, और प्रीफेस कब जोड़ी जाती है, दैट वॉज इन 1800, यानी कि 1798 इफ यू सी इट वॉज द लिरिकल बैलेट्स, 1800 में प्रीफेस, और बच्चों 1802 में क्या जोड़ा गया था, इट वॉज पोएटिक डिक्शन। तो पोएटिक डिक्शन को दो साल बाद वो अगेन जोड़ देते हैं। अच्छा सब बच्चे मुझे बताएंगे, द सोलिटरी रीपर, द सोलिटरी रीपर बच्चों कौन सी एंथोलॉजी में पब्लिश होती है। द सोलिटरी रीपर हैज बीन पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन विच पर्टिकुलर एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मीन्स है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, किस कलेक्शन में बच्चों। यस बच्चों जवाब दें सब लोग, आवाज आ रही है सब बच्चों को, कैन यू हियर मी। एग्जैक्टली 1807 में, बहुत अच्छे बच्चों, तो ये 1807 होगा, क्या है ये, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। बच्चों आपको बताना है कि हुज एम वॉज टू मेक फेमिलियर अनफेमिलियर, किसका पर्पज था लिरिकल बैलेट्स में फेमिलियर को अनफेमिलियर बनाना, बताइए आंसर कीजिए, कॉलरिज का या फिर वर्ड्सवर्थ का, और किसका था, वर्ड्सवर्थ का, बहुत अच्छे बच्चों। और इसका अगर मैं अपोजिट देखूं तो वो क्या बनता है, अनफेमिलियर को फेमिलियर बनाना, ये किसका काम था, ये था बच्चों कॉलरिज का काम, ये किसका काम था, कॉलरिज का, बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ कौन कहता है बच्चों के कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, और कौन कहता है बच्चों डेस्टिनी इज कैरेक्टर, डेस्टिनी इज कैरेक्टर, बताइए। थॉमस हार्डी, तलत, बहुत अच्छे आरुष, बहुत अच्छे। तो पहले वाला कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ये किसने कहा है, शेक्सपियर ने, पहले वाला शेक्सपियर ने बच्चों, और दूसरे वाला हमारे हार्डी ने, बिल्कुल सही है स्वाति, करेक्ट बात हो गई। तो बच्चों ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको जबरदस्त याद रखने हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग आंसर कर रहे हैं, तो मैं और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, या फिर और भी पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। जरा बताओ एक लाइन आती है, फाउल इज फेयर, फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल। तो बताओ बच्चों इस लाइन में ये लाइन कहां पे अकर होती है, मैकबेथ में, बहुत अच्छे, ये मैकबेथ के स्टार्टिंग में ही है, और कौन बोलती है इसको, थ्री विचेस, बिल्कुल सही है, इसको थ्री विचेस बोलती हैं। और बच्चों इस लाइन में अगर हम देखें तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्क, बताएं बच्चों। एंटीथेसिस, श्वेता बहुत अच्छे, चलो कई बच्चों ने बता दिया है कि एंटीथेसिस है, कुछ और बच्चे भी, कुछ और भी बता रहे हैं, अच्छा अच्छा फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, देखो एफेक्ट तो बेटा इसमें है, बट मेन जो बात है वो एंटीथेसिस की है, ये एंटीथेसिस को ध्यान में रख के रखा गया है, क्योंकि देखो पहली फाउल इज फेयर, फिर फेयर इज फाउल, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बन गए।
अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, लव इज ब्लाइंड जो आपने देखा था, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज बाई शेक्सपियर इन दिस वर्क, इन पर्टिकुलर वर्क द मर्चेंट ऑफ वेनिस? और एक लाइन बताएंगे इसके बाद में फिर आप लोग, परसोनिफिकेशन। बहुत अच्छे, तो इट इज परसोनिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सब लोग अब जी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, ये बच्चों लाइन कहां पे आती है जरा बताइए। व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, मैकबेथ में। और बच्चों बोलती कौन है ये अगेन? थ्री विचेस कहती है, ये मैकबेथ में है बच्चों ये भी, और इसको थ्री विचेस ही कहती है, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, हु बिकम्स द नेक्स्ट किंग ऑफ रोम? नेक्स्ट किंग ऑफ क्या था ये? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का नेक्स्ट किंग कौन बन जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ दिस मैकबेथ? मैकबेथ की डेथ के बाद में बताओ बच्चों। जी परमीत बहुत अच्छे, मेलकम राधा बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चों मेलकम था, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों देखो ये कोटेशंस हैं आपकी, इसी के साथ में हम और बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं है ना, इनको भी हमने देखा था पीछे। देखो इन पॉइंट्स को देखेंगे ट्रेजेडी के लिए, कुछ पॉइंट्स मतलब हम लेके चलते हैं इसमें। टाइटस एंड एंड्रोनिकस बताओ बच्चों, इज नोन एज द रिवेंज ट्रेजेडी है ना, ट्रेजेडी ऑफ ब्लेंट, ये ब्लेंट गलत लिखा है यहाँ पे, ये वर्ड कुछ हो रहा है। सब बच्चे मुझे ये बताएंगे कि शेक्सपियर की लिखी गई बच्चों फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी थी? विच वॉज द वेरी फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन बाई शेक्सपियर? आंसर करें सब बच्चे। सबसे पहली ट्रेजेडी शेक्सपियर ने बच्चों कौन सी लिखी थी? ओके गुड, बहुत अच्छे बिंदिया राधा। टाइटस एंड्रोनिकस यही थी, और बच्चों कब की बातें हैं ये? इट इज इन 1594, तो ये 1594 में लिखी थी। अब अगर हम ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा की बात करें बच्चों, ये क्या है? ट्रेजेडी ऑफ टाइम, ये टाइम की ट्रेजेडी है। अगर आप देखिए वहां पर वॉर की कंडीशन बनती है, सब कुछ वॉर पे बेस्ड था। आप मुझे बताएं ये जो क्रिसिडा यहाँ पे है बच्चों, ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा में क्रिसिडा किसकी बेटी है? हु इज द फादर ऑफ क्रिसिडा? क्रिसिडा का फादर बच्चों कौन है? कालछास, बिल्कुल ठीक है बच्चों, कालछास इसके फादर का नाम है। अब देखो अगली बात देखो, जूलियस एंड सीजर, ये एक बच्चों पॉलिटिकल ट्रेजेडी है, और बड़ी बात क्या है, ये रोमन प्ले है, इट्स अ रोमन प्ले। अब देखो इसमें दो पॉइंट देखेंगे, शेक्सपियर एक्टेड इन द जॉनसन्स, दो वर्क थे उनके, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर HUMOUR, और बच्चों सेजानस हिज फॉल, सेजानस हिज और। बस पॉइंट्स याद होने चाहिए एनी हाउ आपके, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे। और अगर हम इस पॉइंट को देखें, बेन जॉनसन ही हैड बट लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, LESS, तो बच्चों ये किसने बोला था, किसके लिए बोला था? जॉनसन कॉल्ड शेक्सपियर द स्वान ऑफ एवन, सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि ही वॉज द बार्ड ऑफ एवन, ही वॉज द बार्ड ऑफ एवन, ये हमें पता है।
लेकिन शेक्सपियर को जॉनसन ने, जॉनसन कौन से थे, डॉक्टर जॉनसन, ये बच्चों डॉक्टर जॉनसन थे, इन्होंने कहा था द स्वान ओक एवन, जबकि बेन जॉनसन ने क्या बोला था, ही हैड लिटिल लैटिन लेस ग्रीक, इसका मतलब उनको ग्रीक और ये कौन सी है लैटिन दोनों ही नहीं आती। जी बच्चों बहुत अच्छे। अब देखो नीचे रस्किन, रस्किन ने एक बहुत जबरदस्त इनकी लाइन कही थी कि ही हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस, ये किसका कहना था, रस्किन का। लेकिन बच्चों इससे उल्टा देखेंगे, शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली ह्यूमन बीइंग, ये हमारे अगेन डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, तो डॉक्टर जॉनसन ऊपर भी हैं और नीचे भी, ये दोनों ही कोटेशन उनकी है। बाकी इसमें देखेंगे मेलिफ्लस, मेलिफ्लस को आप याद रख सकते हैं, हनी टंग किसने कहा है, फ्रेंसिस मैरी ने, फ्रेंसिस मैरिज ने, बाकी की जरूरत आपको इसमें से नहीं है। हाँ ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, शेक्सपियर कॉल्स इज वीनस एंड एडोनिस, ये जो वर्क था बच्चों 1593 का लॉन्ग नैरेटिव पोएम का, इसको वो कहते हैं द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, ये बहुत पूछा जाता है, और ये किसको डेडिकेटेड था, टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये सारे ही पॉइंट्स हैं आपके जो कि बच्चों पूछे जा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो ऊपर वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर नंबर वन, और दूसरा है एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, ये बच्चों किसने लिखे थे, दीज वर रिटन बाई लैम्ब यानी चार्ल्स लैम्ब और उनकी सिस्टर मैरी लैम्ब ने। तो ये वर्क पूछा जाता है टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर, क्योंकि ये बच्चों पर्टिकुलर एक बहुत ही फेमस बुक है, और वो भी किसकी, चिल्ड्रन की, ये बच्चों के लिए थे। हैमलेट बच्चों किसने लिखा, इट वॉज रिटन बाई शेक्सपियर, जबकि द हैमलेट किसने लिखा, फॉकनर ने। अच्छा ये बताओ बच्चों, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये किसने लिखा बताइए। अब क्वेश्चन बढ़िया आया है श्वेता, 1807 शायद, हाँ माइट बी टी एस लीड, बच्चों बहुत अच्छे, कई बच्चे बहुत अच्छे जवाब कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इट वॉज टी एस इलियट, और टी एस इलियट ने इसी वर्क में बच्चों क्या लिया था, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अच्छा ये बताओ टी एस इलियट कौन से वर्क को, शेक्सपियर के कौन से वर्क को कहते हैं आर्टिस्टिक फेलियर, आर्टिस्टिक फेलियर बताओ बच्चों, शेक्सपियर के किस वर्क को टी एस इलियट आर्टिस्टिक फेलियर कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैमलेट। राधा, अंकिता, बहुत अच्छे, श्वेता, तलत, स्वाति, माधवी, बहुत अच्छे, रवीश, तो बहुत सारे बच्चे बढ़िया बन गए हैं, माधवी ठीक है, बहुत सही बच्चों, ये हैमलेट वर्क था, तो हैमलेट को ही इन्होंने कहा था इट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, जानते हो किस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन की वजह से, कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वहां पे करेक्टली वर्क नहीं कर रहा था। जी बच्चों नीचे आ जाएंगे, डॉक्टर जॉनसन कलेक्ट्स पेनेट्स ऑफ द शेक्सपियर की जरूरत नहीं है आपको, क्रिटिकल एसे शेक्सपियर बाई वॉल्टर पेटर, शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स, ये बच्चों किसने लिखा था, वॉल्टर पेटर ने, ये भी बड़े जबरदस्त हैं। एसी ब्रैडले ने क्रिटिसिज्म की दो बुक लिखी है बच्चों, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी और लेक्चर्स ऑन पोएट्री, किसकी आपको जरूरत है, एसी ब्रैडले लिखा है शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी। अब देखो कितना बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे, शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर्ड, शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर्ड, ये बच्चों किसने लिखी थी, सैमुअल बटलर ने। सैमुअल बटलर को आप कहां पे देखते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड में, कहां पे देखते हैं बच्चों, रेस्टोरेशन पीरियड में, है ना, लाइन में आपको बता देता हूं, वहां पे सबसे बड़ी फिगर जो थे रेस्टोरेशन में वो कौन थे, ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, और ड्राइडन को बच्चों एक हॉबी थी, बहुत भयंकर हॉबी थी, कैसी हॉबी थी, बटर खाने की, BUTLER, ये वाला बटर खाते थे, और फिर बच्चों खा के उसे कहाँ रख देते थे, लॉक में, जॉन लॉक, है ना, नहीं मिलता था तो क्या करते थे, 11 पेप्सी पीते थे, यानी कि एल्विन और बच्चों पेपीस। तो देखो ये पूरी लाइन, ड्राइडन, थॉमस होब्स, बटलर और जॉन लॉक, ये चार ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे बच्चों रेस्टोरेशन पीरियड में, इनमें से एक सैमुअल बटलर थे जिन्होंने शेक्सपियर, शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर्ड ये नाम से अपना वर्क लिखा था, याद रख सकते हैं सब बच्चे। अगला देखो बच्चों प्रीफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीफेस टू शेक्सपियर, हमें ऐसा लगता है जैसे शेक्सपियर के लिखे लिए कोई प्रीफेस लिखी, नहीं,
ये बच्चों वर्क का नेम है डॉक्टर जॉनसन का, है ना, वही सैम डॉक्टर जॉनसन हमारे, सैमुअल जॉनसन। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज हैजलिट का लिखा गया है, सब बच्चों को पता है कि कहां पे आते हैं, ही कम्स इन रोमांटिक एज। और बच्चों लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर इट वॉज बाई कॉलरेज, एस टी कॉलरेज, रॉबर्ट ग्रेव्स कहते हैं, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, GREEN, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, ये बहुत जबरदस्त है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि दिस वॉज द वेरी फर्स्ट क्लू या फिर वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड दैट टेल्स और प्रूव्स दैट शेक्सपियर वॉज इन्वॉल्व इन द थिएटर एट दैट टाइम। तो सबसे पहला जो हमें क्लू मिलता है वो कहां से मिलता है, इसी जगह से, रॉबर्ट ग्रीन से, अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। ये जो बच्चों अपस्टार्ट है इसका जानते हो क्या मीन्स है, इसका मीन्स है नया नवेला, नया नया, अनाड़ी, अनाड़ी को भी हम इसे कहते हैं, दैट इज द ना अपस्टार्ट, न्यू कमर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 1592 में करेक्ट बात होगी। अच्छा बच्चों एक काम करते हैं, देखो अभी समय हमारा लगभग हो रहा है क्योंकि मुझे भी वर्क करना है, बट एक मुझे अच्छी बात लगी कि मैं बड़े ट्रैफिक में फंस गया था, उसके बाद भी किसी तरह से भागते आपके पास पहुंच गया। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि जैसे ही मैं आपको या तो पहले बता दूंगा या फिर बच्चों जैसे ही आपके पास मैसेज पहुंचे आप लोग लाइव आ जाए। अगर हम 10 पॉइंट भी करेंगे डेली के या किसी भी टाइम 10 पॉइंट करेंगे तो भी हम बढ़िया वर्क कर जाएंगे, बस इसमें कनेक्ट रहें, आप लोग कनेक्ट रहेंगे तो मैं इसको बच्चों लगातार करता रहूंगा। और आज मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि प्यारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हैं, गार्गी, माधवी, राधा, श्वेता, स्वाति, एंजल, रबीश, है ना, तलत, आरजू, बिंदिया, सोनिया, राहुल और अंकिता, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा अभी कल का मैसेज आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ क्या आप बच्चों के पास में कल का मैसेज करियर बिल का आ गया है या नहीं। अच्छा बेटा सोनिया, आप उसमें जो इस चैनल पे जो ये टेलीग्राम है उसको, टेलीग्राम चैनल को भी आप उसको सब्सक्राइब कर लो, उसमें होता है कि मतलब आपको पहले से ही उसमें आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए तो फिर आपको टाइम से मिल जाया करेगा। ठीक है रागिनी, बहुत अच्छी बात है, शिवानी बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों के लिए अभी नहीं पता चला है, चलो मैं अभी उसको अपडेट कराता हूँ। वैसे मैंने क्लास रख दी है, कल आपकी क्लास बच्चों 2 बजे से 3 बजे तक होगी, मतलब 2 से 3 प्रॉबेबल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे और टाइम हो सकता है, 2 बजे रहेगी कल आपकी जो टेस्ट रहेगा, तो कल आपका टेस्ट 2 बजे का रहेगा करियर बिल वाले बच्चों के लिए, है ना। और ये वाली क्लास जो हम करेंगे वो शाम को 6 बजे के बाद ही रखेंगे, इवनिंग आफ्टर 6 PM, ठीक है बच्चों। अच्छा कोई बात नहीं है सोनिया, इट्स ऑल राइट। तो चलो बच्चों मिलते हैं कल, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बढ़िया से तैयार करो, जितने पॉइंट आज हुए इनमें से कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, जिन बच्चों ने जवाब दिया है बहुत अच्छे और जिन्होंने नहीं दिया है वो इसको बिल्कुल फिट कर ले, मैं कल फिर पूछूंगा इन्हीं पॉइंट्स को। जी प्रिंस, अच्छा अच्छा बेटा वर्क करो बस इस पे। अच्छा बिंदिया खाना बनाते, बहुत अच्छी बात है, मैं जानता हूँ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, खाना बनाते हुए घर के सारे काम करते हुए भी स्टूडेंट्स वर्क करते हैं और ये प्रेज वर्दी है बच्चों आपके, आई रियली अप्रिशिएट दिस। ठीक है जी, ठीक है बिंदिया, बहुत अच्छे माधवी। हाँ बेटा लिटरेचर का ही रखेंगे बिल्कुल। हाँ राहुल, ये बेटा NVS के लिए भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको मान के चलो, लिटरेचर जहां जहां भी आएगी सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेक्सपियर के बिना कोई बन ही नहीं सकता। ग्रामर का भी करेंगे माधवी, कल तो हम बस ये लिटरेचर ही रखेंगे। ओके बच्चों मिलते हैं फिर कल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।